सो हे गाइस, हाय, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इस मेकअप लुक को मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। वहाँ पर मैंने मेकअप लुक को क्रिएट किया था और वहाँ पे शेयर किया है। अगर किसी ने भी नहीं देखा तो वहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ अपनी ये वाली साड़ी लुक, कि इसको किस तरह से, ये फुल नेट की साड़ी है, मतलब बिल्कुल भी इसमें कोई कपड़ा नहीं लगा हुआ है, प्योर नेट की साड़ी है। पूरी साड़ी पल्ला से लेकर ड्रैपिंग तक, पूरी मतलब जहाँ से ड्रैप करते हैं, पूरी ये नेट की साड़ी है। इसको किस तरह से पहनना है, किस तरह से इसको पहना जाता है, कैसे इसको ड्रैप करना है, वो मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। गाइस, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा प्यारा सा, क्योंकि आप लोगों का एक एक लाइक हम लोगों को बहुत ही मोटिवेट करता है। मुझे आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, तो मैं सपोर्ट के लिए तो मैं आप लोगों की पसंद की वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो, आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक हूँ। यहाँ तक क्या, अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे चैनल पर, क्योंकि न्यू चैनल है, आप लोग जानते ही हो। तो अभी तो स्टार्टिंग है, आप लोगों को सपोर्ट देना है। आप लोग अगर, हाँ, आप लोगों से ज्वाइन बटन को ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी वीडियो आ रही है सारे से रिलेटेड, जिनको सारे से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर लेना। और गाइस, हाँ, एक चीज़ और, आप लोग सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि आप लोग सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक देना प्यारा सा, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और बस ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि बस आप लोग जिसको सपोर्ट करना होगा बस इतना ही काफ़ी है उनके लिए। आप लोगों को प्यारा सा एक लाइक मिल जाएगा, वही काफ़ी है मेरे लिए। सपोर्ट दीजिएगा। कमेंट सेशन तो मैं ऑफ कर देती हूँ, कुछ लोग बैड कमेंट्स करने लग जाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। और मेरा न्यू चैनल है तो अभी पता है यहाँ पे अच्छे कमेंट तो मुझे कम पढ़ने को मिलेंगे, बैड करने को मिलेंगे ना अगर, तो मुझे हर्ट होता है। अभी तो इतना नहीं है चैनल पर, आते हैं अच्छे, बहुत आते हैं तो, बट कुछ लोग गलत भी कर देते हैं, फिर उनकी वजह से थोड़ा बहुत हर्ट होता है। इस वजह से मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती हूँ। तो कोई नहीं, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। आप लोग वीडियो को देखिए, देखिए बताइए कैसी लगी पूरी वीडियो को, एंड तक देखना, बीच छोड़ दो बिल्कुल मत जाना, एंड तक देखना पूरी वीडियो को, ओके। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय गाइस, बाय। नहीं, आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, देखिए बताइए कैसे लगी है। सो यहाँ पे ये प्योर नेट की साड़ी है, पूरी नेट की साड़ी है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी कपड़ा नहीं लगा हुआ है। जो होता है ना, जैसे कोई भी शायद कॉटन का लग जाता है, मतलब हाफ हाफ होती है, हाफ में ऐसा होता है, हाफ में पल्लू के पास से नेट लगा होता है, बट ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें प्योर नेट की है, पूरी नेट की है, स्टार्टिंग से लेके इन तक इन नेट की है। बट कुछ लोग ऐसे होती है ना, साड़ियाँ पहनते हैं तो यहाँ पर उनके थोड़ी सी फूली फूली सी लगती है, तो इस साड़ी को इस तरह से पहनेंगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और प्लेट्स भी बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी, बहुत ही सुंदर सा लुक आता है नेट की साड़ी को। अगर एक तो आप बहुत लोग साथ पहन भी नहीं पाते हैं, और जो पहन लेते हैं ना तो उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, क्योंकि एकदम से अगर आप बॉडी में बिल्कुल से चिपका कर पहनोगे ना तो बहुत ही सुंदर सा लुक लगता है। तो इसलिए आपको इस तरह से पहले नॉर्मली जिस तरह से ड्रेप करते हैं उस तरह से आपको ड्रेप कर लेना है, जैसे करी जाती है नॉर्मली उस तरह से ड्रैप करना है, सिंपल सा। देन उसके बाद में कुछ इस तरह से अपने साड़ी को बिल्कुल चिपका कर पहनना है, मतलब टाइटली पहनना है। बहुत होता है ना कि थोड़ा सा लूज लूज पहन लेते हैं, लूज़ नहीं पहनना है नेट की साड़ी को, बिल्कुल भी लूज़ नहीं पहनना है, बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइट करके पहननी है उसको। बिल्कुल इस तरह से आपको बिल्कुल पूरे में अच्छे से इसको लगा लेना है, कहीं से भी लूज़ नहीं रखना है बिल्कुल। और हाँ, पेटीकोट आपका टाइट होना चाहिए, ताकि पेटीकोट टाइट होगा तभी साड़ी का जो लुक है वो सुंदर आता है। इसलिए नेट की साड़ी में कुछ चीज़ें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होती हैं। इस तरह से आपको अब यहाँ पर पल्ला बनाने के लिए, यहाँ पर आपको पल्लू बनाना है, तो उसके लिए ये देखो मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर पल्लू बनाना है तो यहाँ पर आपको साड़ी का मेजरमेंट कर लेना है। कितना, मैं यहाँ पे वही सोच रही थी कितना लूँ कितना नहीं, तो आपको मेजरमेंट कर लेना है कि पल्लू पे आप लोगे तो कितना आपको कपड़ा रखना है, ज़्यादा रखना है कि कम रखना है। तो यहाँ पर मैं वही सोच रही थी कि मैं अपने हाथ से नाप लेती हूँ, मेजर कर लेती हूँ कितना मुझे चाहिए कितना नहीं। तो मैंने यहाँ पे देख लिया है, जितना पल्ला मुझे चाहिए उतना कपड़ा मैं पीछे लगा दूँगी। देन उसके बाद में पहले इसी तरह से आपने नेट की साड़ी पहनी है तो आपकी साड़ी का ना जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से आपको साड़ी को जब पल्ले को पीछे पीछे फोल्ड करके देंगे, उसके बाद में ये जो साइड आता है ना, यहाँ से आपको साड़ी को टाइट लेना है, बिल्कुल टाइट लेकर। और ये जो साड़ी है मैंने मीशो से मंगाई थी, तो मुझे ये साड़ी का जो कपड़ा है, नेट है, वो बहुत ही अच्छी लगी। कुछ नेट होती है जो बहुत टाइट होती है, बहुत बेकार लगती है, बट ये नेट वो वाली नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट नेट है, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छे से साड़ी पे बैठ जाती है, बिल्कुल भी इधर उधर भागती नहीं है। तो इसमें आप चाहे तो सिमरी आता है ना, सिमरी पेटीकोट भी, सिमरी कपड़ा वाला जो होता है वो भी आप बनवा सकते हो, तो यहाँ पर वो भी बहुत अच्छा लगेगा।
उससे ना एक अच्छा पार्टी लुक देगा। अगर पार्टी वगैरह में जा रहे हो नाइट में तो वो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन लेने गई थी तो ये लेकर आ गई हूँ। देन यहाँ पर इस तरह से आपको साड़ी में वेयर करके, ये देखिए इस तरह से पहन कर, जितना आपको ऊपर लेना है, जितना आपको, अगर नहीं ऊपर लेना है साड़ी ऊपर से पहन रहे तो नहीं ऊपर लेना होगा तो नॉर्मली, जितना आपको लेना है कपड़े को इस तरह से मेजर करके यहाँ पे सेफ्टी पिन को अच्छे से टक कर लेना है, टाइटली टक करना है, जिससे साड़ी का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा लगे देखने में। तो ये देखिए इस तरह से टाइटली टक कर लेना है आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है सिंपली। अब यहाँ पे प्लेट्स बनाऊंगी, प्लेट्स को लूज़ करके बनाना है। लूज़ करके बनाएंगे तो एक जो फर्स्ट प्लेट होगी वो अच्छी आएगी, वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए ऐसा बनाना है कि फर्स्ट प्लेट आपकी समझ में आए, ऐसा ना लगे कि मतलब भाग रही हो, बट ये नेट जो है वो नेट अच्छी थी। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया तो प्लेट ऐसा देखने में लग रहा था नहीं बनेगी, बट बन गई है यहाँ पे। ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पे बन जाए, और अच्छे से बनानी है आपको, जितनी प्लेट बन रही हो, जितना आपने कपड़ा छोड़ा उतनी प्लेट बना लेनी है। ये देखिए जो प्लेट ना बन रही हो तो उसका कपड़ा आप इस तरह से ड्रैप कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है तो अंदर की साइड लपेट सकते हो उसको। ये देखिए यहाँ पे प्लेट यहाँ पे बन गई है। ये देखिए इस तरह से ये जो प्लेट फर्स्ट वाली थी इसको अच्छे से फिर से मैंने बना ली है। ये देखिए बना इस तरह से, ये मैं वही बना रही हूँ फर्स्ट वाली जो प्लेट है उसको अच्छे से कर रही हूँ यहाँ पर। सारे प्लेट्स को एक साथ अरेंज कर लूँगी, पास से दिखा रही हूँ इसीलिए। तो चलिए नॉर्मली जिस तरह से पहनते हैं उसी तरह से मैंने पहन लिया। तो आप लोग आप म्यूज़िक के साथ में देखिए, और जिन्होंने जॉइन बटन को ना ज्वाइन किया और ज्वाइन कर दीजिए। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आप लोगों को मेन इसमें बताना था कि किस तरह से आप प्लेट बना सकते हो नॉर्मली, और किस तरह से साड़ी को सिंपली वे में पहन सकते हो। ये देखिए साड़ी नेट की साड़ी है और कितनी अच्छे से हो गई है, कुछ होता है ना फूला फूला सा लगता है, तो ये फूली फूली से बिल्कुल नहीं लगेगी। और ये ब्लाउज इसका नहीं है, दूसरी साड़ी का, बट इसके साथ में पूरा जा रहा है अच्छे से, अच्छी लगती है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कलर होता है। तो ये देखिए साड़ी में अच्छे से जा रहा था, और यहाँ पे इस तरह से जो कपड़ा थोड़ा बहुत लग रहा हो बच गया है, क्योंकि ये तो पल्लू से हाइड हो जाएगा तो इसलिए इसको अच्छे से लपेट लेना है। ये देखिए जितना आपको अगर नेट ऊपर ले जानी तो ऊपर ले जाइए। ये देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, अगर ऊपर ले जानी है तो ऊपर ले जाइए। ये देखिए नॉर्मली अब यहाँ पे पल्लू को बना लेना है, पल्लू जिस तरह से आप बनाते हो उस तरह से बना लीजिए नॉर्मल। तो चलिए गाइस आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक देखिए, देखिए बताइए आप लोगों को कैसी लगी है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप लोग मिस ना कर पाए, तुरंत वॉच कर पाए। ओके तो चलिए आप लोग देखिए पूरी वीडियो को एंड तक, किस तरह से पहननी है।